के सिद्धार्थनगर का यहाँ नीली बत्ती गाड़ी और स्कूली बस में टक्कर हो गई है। बस में सवार 40 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। मामूली चोट आई है, बच्चे सुरक्षित हैं, लेकिन बस की स्थिति आपको बता दें, एटा बस हादसे से सबक नहीं लिया गया, ना मथुरा ना संभल बस हादसे से। बस में फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं था, ना ही पुलिस और एम्बुलेंस का नंबर कोई था। उत्तर प्रदेश के एटा से ही अपडेट अपने दर्शकों को देते हैं। हम वही कह रहे थे कि एटा बस हादसे से सबक नहीं ली, सिद्धार्थनगर में इस तरीके की घटना हो गई है। एटा की खबर लगातार हमारे चैनल ने प्रमुखता से दिखाई थी और स्कूली बस हादसे में पुलिस ने एक्शन ले लिया है। आरोपी स्कूल मैनेजर अजीत कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में एआरटीओ एबीएस समेत 4 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। गुरुवार को सड़क हादसे में 12 बच्चे और ड्राइवर की मौत की खबर हमने दिखाई थी कि किस तरीके से लापरवाही ने जान ली। शायद कार्रवाई इससे बेहतर ये हो कि इस तरीके के हादसे ना ले, ना हो। प्रशासन स्कूल के स्तर पर, पेरेंट्स के स्तर पर जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाया जाए। जिस तरीके के हादसों में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार सामने खबरें आ रही हैं कि स्कूल बसेस में जो मानक है उनका विशेष तौर पर ध्यान नहीं रखा गया है। विवेक, अभी एटा में तो अब कार्रवाई हो गई है, लेकिन यही है कि इस हादसे से सबक किस तरीके से लिया जा रहा है। एटा हादसे के बाद अब जमीनी स्तर पर किस तरीके के बदलाव आप देख रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थनगर की भी खबर हमने चलाई, वहां पर भी स्कूल वैन की स्थिति जर्जर थी। देखिए निहारिका, मैं आपको बता दूं कि अगर प्रशासनिक स्तर की कार्रवाई की अगर बात की जाए तो कुछ ज्यादा कुछ फर्क नजर नहीं आता। आज भी कई जगह ऐसे स्कूली जो वाहन जो हमने चलते देखे हैं, जहां पर बच्चों को ठूस ठूस से भरा गया है। नियम और कानून की धज्जियां उड़ाना तो समझिए इनके बाएं हाथ का खेल है। साथ ही साथ कई ऐसे मामले सामने निकल जा रहे हैं जिसमें कि अभी भी हम देख सकते हैं कि जो है बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल सकती है। चलिए अगर एटा की बात करते हैं तो एटा में एक राहत भरी बात ये जरूर है, क्योंकि जो स्कूल संचालक था अजीत, उसके खिलाफ जो है पुलिस जो है 3 टीमें बनाकर उसको गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी, और इसमें एक बड़ी कामयाबी आगे एटा पुलिस के लिए यहाँ पर सामने देखने को मिलती है। लेकिन अभिभावक जिन्होंने अपने बेटों बच्चों को मासूमों को खोया है, उनकी लाशों को अपने हाथ से उठाया था, उनकी तरफ से मानना है कि इसमें इस पूरे मामले में प्रशासन की तरफ से हत्या के धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक ऐसी धाराओं का लिपापोती करके जो कि इसमें आसानी से स्कूल संचालक को जमानत मिल सकती है, इसमें पूरी जो कार्रवाई की गई है, तो इसमें अभिभावकों में रोष है। साथ ही साथ जो जिस स्तर पर प्रशासन को कार्रवाई की जानी चाहिए थी और सख्ती की गुंजाइश यहाँ पर रह जाती है, उसमें अभी प्रशासन जो पिछड़ता हुआ नजर आया। जी, सस्पेंशन जो मैनेजर का हुआ, एआरटीओ का हुआ, एबीएसए का हुआ, उनकी गलती क्या थी, किस तरीके से उनकी भूमिका थी इस पूरे मामले में, इस तरीके के लापरवाही उनकी तरफ से क्या थी? देखिए एआरटीओ का सबसे बड़ा रोल ये रहता है कि स्कूल में जो सड़क शहर के अंदर जितने भी स्कूली वाहन जो चल रहे हैं उनकी हर समय पर जांच पड़ताल होनी चाहिए। साथ ही साथ खासतौर से जब बच्चों की बात आती है, उनकी सुरक्षा की बात आती है, तो परिवहन निगम और आरटीओ विभाग के साथ तौर पर जो है कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है कि वो देखे कि आखिरकार स्कूल में जो चलने वाले जो वाहन है वो किन स्थितियों में है। और साथ ही साथ इस पूरे मामले में ये जो पूरा मामला सामने निकल के जो आया था, उसमें ये देखा गया था कि आरटीओ विभाग की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इससे पूर्व में भी देखने को नहीं मिली है, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस लिहाज से भी है। तो एआरटीओ और एबीएसए को साफ तौर पर इसमें एबीएसए का इसलिए था क्योंकि एबीएसए की भी जो एक, क्योंकि अलीगंज एक ब्लॉक लेवल की स्थितियों में जो स्कूल चलता है वहां पर, तो एबीएसए की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, एबीएसए के ऊपर जो कार्रवाई की गई थी वो इसलिए की गई थी क्योंकि उनको देखना चाहिए था कि आखिरकार क्यों नहीं उन्होंने देखा कि किस तरह से स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार जो आदेश है कि भाई सर्दियों के चलते आपको स्कूल बंद रखने हैं, खासतौर से प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए,
तो क्यों नहीं आखिरकार एबीएसए ने इस पूरे मामले में जो है गंभीरता बरती। इस पूरे मामले के हिसाब से करीब जो है एबीएसए लगातार खबर को प्रमुखता से देखा। उम्मीद है कि इस मामले पर अब और आगे स्ट्रिक्ट एक्शन हो, और एक्शन का मतलब यही है कि रिएक्शन के रूप में वो असर साफ तौर पर देखने को मिले, मानकों का ध्यान रखा जाए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का ख्याल रखा जाए। धन्यवाद अपडेट देने के लिए।